अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम फैशन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब फाइन एंड फिट होंगे, और मैं दुआ करती हूं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग में मैं आपके लिए एक स्पीच लेके आई हूँ, योम आज़ादी के मुतल्लिक है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो एंड व्लॉग आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं स्पीच की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मुझे लव कुशाई करने का मौका मिला है, उसका नाम है योम आज़ादी। मैं अपने जज्बातों का हालात को ज़मीर हयात की सोच की तहारत मोहब्बतों अकीदत के सजे लफ्ज़ों से अरके गलाफों कसूरी से मशकवार करके उनकी पाकिदगी और वजदान की शास्ती से वतन अजीज तहरीके आज़ादी के जानिसारों की नज़र करते हुए मैं आप सबके ज़ौक़ो लतीफ़ के लिए आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ। जनाबे वाला, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमारे दिल खुशियों से लबरेज, हमारी आँखें नशा से सरचार, और हमारे बदन कारवां रवां से सरूर लहजे से हमकिनार है। क्यों ना, आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। शेर की एक दिन की गुलामी की जिंदगी आज़ादी की हजार साल जिंदगी से बेहतर है। क्यों ना हमें अपने वतन अजीज को आज़ाद कराने के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी गई, मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ तो बयान नहीं कर सकता। इसकी मुहित पर चढ़ गए, बच्चों ने नेज़ों की अनियों पर आज़ान नहीं कही, बिलाखिर हमें ये वतन अजीज तहरीक आज़ादी हासिल हुआ। जहाँ तक देखी है तालीम की फरमा रवाई है, जहाँ तक देखी है तालीम की फरमा रवाई है, जो सच पूछो सभी के इल्म रूपर। जी तो व्यूअर्स, आपने बच्चे की स्पीच सुनी, बहुत ही कॉन्फिडेंस से उसने सुनाई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्पीच बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, अब ये बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो इसके साथ ही हम करते हैं व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर माय व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।